हेलो डियर चिल्ड्रन, वी विल डू लेसन नंबर लेन गुप्ता एज एंड अथर रूलर्स एक्सप्लेनेशन पार्ट टू विल सी, दिस इज नालंदा यूनिवर्सिटी द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ गुप्ता एज एंड दीज आर द केव्स ऑफ अजंता ये बहुत सुंदर है अंदर से देखने में बहुत अच्छा लगता है नाउ वी विल सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एज वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग गुप्ता एज फ्राम रिकॉर्ड्स स्मृतिज एंड पुरान्स अकॉर्डिंगली द गवर्निंग बॉडी वॉज डिवाइडेड इन टू थ्री सेक्शंस सेंट्रल प्रोविंशियल एंड लोकल यानी उस टाइम पे हमको इंफॉर्मेशन उनके जो कैसे रूल करते थे वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके रिकॉर्ड स्मृति और पुराण से और उस टाइम पे गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी जो होती थी उनको थ्री सेक्शन में रखते थे सेंट्रल यानी जो सब कुछ एक ही जगह से होता है प्रोविंशियल यानी अलग अलग एरिया और लोकल यानी प्रॉपर छोटा सा एरिया होता है वो हाँ एम्पर वॉज एट द सेंटर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन ही अडॉप्टेड द टाइटल्स लाइक महाराज अधिराज परम भागवत यानी जो राजा होता है वो सबसे सेंटर में होता है उसके हाथ में पूरा हाव एडमिनिस्ट्रेशन होता है और वो टाइटल्स अडॉप्ट करते थे महाराजाधिराज और परम भागवत नव नो इट द आर्मी चीफ वॉज़ कॉल्ड महाबलाधिकृत द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वॉज कॉल्ड महासन संधि विग्रहक चीफ ऑफ पैलेसेस एंड गेट गार्ड्स वेअर कॉल्ड महाप्रतिहार एंड महा अश्वपति वॉज द चीफ ऑफ कैवलरी आर्मी एंड द चीफ ऑफ आर्मी ऑफ एलिफेंट्स वॉज कॉल्ड महा, सं, महा, महा, महा पिलुपति टू टेक केयर ऑफ ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स द स्टेट यानी अलग अलग जो चीफ रखे जाते थे ऑफिसर्स रखे जाते थे उनके अलग अलग नाम थे जैसे आर्मी चीफ को महाबलाधिकृत कहते थे जो एक्सटर्नल अफेयर्स यानी बाहर के देशों के साथ जो काम करते थे उनको महासंधि विग्रह कहा जाता था और जो चीफ ऑफ पैलेस और गेट थे उनको महाप्रतिहार बोलते थे फिर चीफ ऑफ कैवलरी आर्मी को महाशोपति बोलते थे और जो एलिफेंट की आर्मी होती है जिसमें सारे एलिफेंट्स होते हैं उनको महापीलूपति बोलते थे और जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ध्यान रखते थे उसको पुस्तपाल बोलते थे प्रिंस अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द प्रोविंस कुमार अमरुतिया एंड कमिश्नर प्लेड अ मेजर रोल इन द प्रोविंस द प्रोविंस इज कॉल्ड भुक्ति हुज हेड बुक्ति रीजनल द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इन टू डिस्ट्रिक्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड विषय ना हर एक प्रिंस को अपॉइंट किया जाता था हेड के तौर पे और उन कुमार अमृत्य और कमिश्नर मेजर रोल प्ले करते थे उनके राज्य में और दो प्रो, जो जितना एरिया था उस प्रोविंस उसको भुक्ती बोलते थे और उस हेड हेड वॉज रीजनल और जो प्रोविंस होता है उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते थे और उस डिस्ट्रिक्ट को विषय बोलते थे एंड कमिटी वॉज फॉर्मड एट विलेज लेवल विच इंक्लूडेड एल्डर्स विलेज हेड्स एंड इम्पॉर्टेंट एडल्ट सिटीजेंस और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए विलेज लेवल पे एक कमेटी बनाई जाती थी और उसमें होते थे बड़े बड़े एल्डर्स एल्डर्स होते थे विलेज के जो मेन हेड्स होते हैं वो सब रहते थे और एडल्ट सिटीजन्स को भी रखा जाता था ना इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज इन इकोनॉमिक टर्म्स गुप्ता एज वॉज ए गोल्डन पीरियड फार्मिंग इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज वेरी डेवलप्ड Uh, special farming practices included annual 3 year and 5 year farming wheat rice in north india sugarcane in gandhar grapes and kesar in kashmir and coconut in kamrup were grown rice was grown in large quantity in bengal cotton in gujarat and sindh and silk was uh, produced in bengal trade of condiments and spices सिल्क एंड कॉटन हैड डेवलप्ड इन साउथ इंडिया यानी उस टाइम पे इकोनॉमिकली भी गुप्ता एचिन का गोल्डन पीरियड था क्योंकि वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी इंटरनल ट्रेड यानी अंदर ही अंदर जो ट्रेड बिजनेस करते थे वो इंटरनेशनली भी ट्रेड करते थे वो बहुत डेवलप हुआ था और फार्मिंग के लिए स्पेशल प्रैक्टिस करते थे उसमें एनुअल था थ्री ईयरली था फाइव ईयर का फार्मिंग ऐसे वो लोग करते थे और वीट और राइस नॉर्थ इंडिया में उगाए जाते थे शुगर के इन गंधार में और ग्रेप्स एंड केसर इन कश्मीर और कोकोनट कामरूप एरिया में उगाए जाते थे और राइस जो था वो बंगाल में कॉटन गुजरात और सिंध में और सिल्क था वो बंगाल में उगाया जाता था इसके अलावा बिजनेस करते थे मसाले सिल्क कॉटन का साउथ इंडिया में ओके Now, king used to take one-sixth part of the total production. Land was donated to Brahmins and temples. International trade was the epitome of uh, Guptage. Cotton, silk, and spices were exported to Europe from India through Central Asia, while cotton, silk, spices, condiments, and timber were exported to east and west of the world through international ports like Kampath, Bharuj, Sopara, and Tamralipti. एंड गोल्ड एंड सिल्वर एंड अधर आइटम्स आर इम्पोर्टेड यानी जो राजा होते थे वो जितना भी प्रोडक्शन होता था खेतों में उसका वन सिक्स पार्ट वो पार्ट वो टैक्स के तौर पर ले लेते थे और वो लैंड डोनेट करते थे ब्राह्मिस को और टेम्पल्स बनाने के लिए जगह भी देते थे इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड गुप्ता एज में बहुत एकदम हाई हाई उस पर था और कॉटन और सिल्क और स्पाइसिस ये सब हम यूरोप को भेजते थे एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से और थ्रू सेंट्रल एशिया और कॉफ़ी सॉरी कॉटन सिल्क स्पाइसेस टिम्बर ये सब हम ईस्ट और वेस्ट वर्ल्ड uh, को भी भेजते थे इंटरनेशनल पोर्ट्स खम्भात और भरूच सोपार एंड ताम्रलिप्ति से और गोल्ड और सिल्वर और अदर आइटम्स हम इंपोर्ट करते थे यानी बाहर से मंगवाते थे नाउ रिलीजियस स्टेटस हिंदुइज्म एंड इंडियन कल्चर आर सीन इन फुल स्विंग इन गुप्ता एज द गुप्ता एम्परस गेव वैष्णविज्म द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलिजियन एज अ रिजल्ट विष्णु हिज अवतार श्री राम एंड श्री कृष्ण वेर मोस्टली वर्शिप्ड एट दिस टाइम लक्ष्मी बी केम वेरी फेमस गॉड एस इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ओनली दैट रामायण महाभारत एज वेल एज अ पुराना इज वेर रिकम्पाइल्ड और श्रीमद् भगवद्दगीता बी केम वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ स टाइम यानी हिंदू जो थे और उनका कल्चर वो फुल स्विंग में था गुप्ता टाइम्स में और गुप्ता एम पर वैष्णव धर्म स्वीकार किया हुआ था लेकिन दूसरे धर्म भी उतने ही रिस्पेक्टेबल थे और इसकी वजह से विष्णु के जो अवतार श्री राम और श्री कृष्ण उनकी बहुत पूजा होती थी लक्ष्मी माता जी की पूजा भी होती थी और इसी टाइम पे रामायण महाभारत पुराण ये सब फिर से एकदम आगे आए और रिकम्पाइल किए गए और श्रीमद् श्रीमद गीता उस टाइम का इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बन गया लाइक वैष्णविज्म शैविज्म ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग गुप्ता एज इन साउथ इंडिया शैविज शैव सेंट्स वेर कॉल्ड वाइल वैष्णव सेंट्स वेयर कॉल्ड अलवर इन साउथ इंडिया uh, महिषासुरमर्दिनी दैट इज दुर्गा वॉज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलरली वर्शिप थो एंड द वर्शिप ऑफ कार्तिक ए वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस ड्यूरिंग गुप्ता एज यानी शेव जैसे वैष्णविज़म को सब मानते थे वैसे शैविज़्म भी बहुत डेवलप हुआ यानी शंकर भगवान को मानते थे इसी टाइम पे बहुत सारे शैव संत को भी जाने गए जो नैनार के नाम से जाने जाते थे और वैष्णव सेंट्स को अलवर के नाम से जाने जाते थे साउथ इंडिया में और महिषासुर मर्दिनी यानी दुर्गा माँ की भी बहुत पूजा होती थी और कार्तिकेय की भी बहुत पूजा होती थी नाउ यू कैन सी इवन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग गुप्ता एज समुद्रगुप्त वाज प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धिज्म महायान एंड हीन यान कल्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो डेवलप यानी बुद्धिज़्म और चाइनीज़म को भी गुप्ता के टाइम पे बहुत डेवलप किया गया और जो समुद्र गुप्त थे वो प्रोटेक्टर थे बुद्धिज़म के उसमें महायान यानी बड़ा ग्रुप जो बुद्धिज़म का को फॉलो करता है और हीन यान यानी छोटा ग्रुप जो बुद्धिज़्म को फॉलो करता है वो भी उस टाइम पर डेवलप हुए कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड Gupta Age was culturally golden age of India. Many new languages developed during this age. Kalidas, Skanswami, Hariswami, and Rani Vijaya, and Aryasur were important literatures among all of them. Kalidas was the best. Kalidas is also called the Shakespeare of India, taking story of Indian epics. He wrote epics like abhigyan Shakuntalam, Ragovansham, and nekudutam गुप्ता एज वॉज वेरा ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर गोप इन गुजरात पार्वती टेंपल ऑफ नाचना नाचना कोठार एंड टेंपल ऑफ झांसी आर द फर्स्ट ब्रिक टेंपल्स ऑफ इंडिया द गुप्ता एज मार्क्स द बिगिंग ऑफ द टेंपल आर्किटेक्चर द आइडल्स ऑफ दुर्गा बुद्ध कृष्ण एंड शिव वेर मेड इन अ लार्ज नंबर यानी गुप्ता एज कल्चरली भी बहुत गोल्डन एज के में जाना जाता है क्योंकि उस टाइम पे बहुत सी लैंग्वेजेस डेवलप हुई फिर कालीदास स्वामी हरी स्वामी रानी विजय आर्यसुर ये सारे लिटरेचर के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो भी इसी टाइम में थे और इसके अलावा कालिदास उन सब में बेस्ट थे कालिदास इंडिया के शेक्सपियर कहलाए जाते थे और उन्होंने इंडियन एपिक्स लिखी यानी बहुत बड़ी बड़ी जो गाथाएं होती हैं वो लिखी उसमें अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम मेघ दुंत दूतम बहुत फेमस थे और गुप्ता एज एक ऐसा टाइम था कि जिसमें टेंपल आर्किटेक्चर भी बहुत आगे आया यानी मंदिरों में जो आर्किटेक्चर वर्क किया जाता है वो उसमें गुजरात का गो पार्वती टेम्पल ऑफ नाचना कोठार और झांसी का टेम्पल ये सारे ब्रिक टेम्पल्स पहली बार बनवाए गए और गुप्ता एज ये जो है वो टेंपल आर्किटेक्चर को स्टार्ट करने वाला सबसे पहला था और भगवान की मूर्तियाँ जैसे दुर्गा माँ की बुद्ध की कृष्णा शिव भगवान ये सब बहुत लार्ज नंबर में बनती थी ना कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज हर एक जगह पे गुप्ता एज में कल्चर हो इकोनॉमिकली हो साइंस हो कुछ भी हर एक जगह लिटरेचर हर एक में आगे था इसीलिए उसको गोल्डन एज कहा जाता है ना वी विल सी Aryabhat and Varamihir were among the great scientists of this period. Aryabhat discovered zero and decimal system. Varamihir wrote an important text named Brihat Sahita, which was related with astronomy. Vagbhat wrote a great text on Ayurveda named uh, Astangaridai Asahita. As During this time, medicines developed for humans as well as animals, even.

उन्होंने स्टार्ट की वारा ने एक इम्पॉर्टेंट टेक्स लिखा जिसका नाम था बृहद संहिता जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था और वाघ ने एक टेक्स्ट लिखा जो आयुर्वेद से रिलेटेड था उसका नाम था अष्टांग हृदय संहिता और मेडिसिन उस टाइम पे इंसानों के लिए एनिमल्स के भी लिए भी ढूंढी गई और एलिफेंट और हॉर्स के लिए भी मेडिसिन मिली और केमिस्ट्री भी उस टाइम पे बहुत डेवलप हुआ और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन पिलर मेहरोली में जो आज तक तो वैसा ही है और खराब नहीं हुआ है ना वी कम टू एम्पर हर्षवर्धन आफ्टर गुप्ता एज द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ एंशियंट इंडिया ही बिलोंग टू पुष्यभूति क्लैन ऑफ थानेश्वर राज्यवर्धन हर्षवर्धन वेर सन्स ऑफ प्रभाकर वर्धन वाइल इज डॉटर वॉज राज्यश्री

थानेश्वर का जो एक क्लैनिक ग्रुप होता है उसके आ, उसको फॉल उसमें थे और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन वर्धन के बेटे थे और उनकी बेटी थी राजश्री जिसकी शादी हुई कनौज के राजा ध्रुवर्मन से और जो गौड़ के राजा थे शशांक और राजा मालवा के राजा उन्होंने राजेश्री को किडनेप किया और उनको उन पर अटैक किया तो बहुत क्राइसिस हुई और राज्यवर्धन इसमें मर गए और अपनी बहन को बचाने के टाइम। इन सच एन इमरजेंसी सिचुएशन एम्पर हर्ष असेंडेड द थ्रोन इन सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स ही सेव्ड राजेश्वरी नॉट ओनली दिस ही स्टार्टेड हीज प्रॉपर रोल इन बोध स्टेट्स का नॉच इन थानेश्वर तो उस टाइम पे ऐसी इमरजेंसी के टाइम पे एम्पर हर्ष आ गया है और वो राजगद्दी पे सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स में बैठे और उन्होंने अपनी बहन को भी बचा लिया और जो जो स्टेट्स थे कन्नौज और थानेश्वर उनको भी उन्होंने प्रॉपरली रूल करना स्टार्ट कर दिया नाउ हर्षवर्धन वॉज ए ग्रेट एम्पर ऑफ एंशियंट इंडिया ही स्प्रेड इज एम्पायर इन मगध ओडिशा, सारस्वत गौड मिथिला इन कंटेम्प्ररी स्टेट्स मैत्रक किंग ध्रुसेन वॉज अ सन लॉ सन इन लॉ पुलकेशी सेकेंड वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द साउथ इन द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी हर्षवर्धन वॉज डिफिटेड हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज द पावरफुल किंग इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा यानी हर्षवर्धन लास्ट एम्पायर बने एंशियंट इंडिया के और उन्होंने अपना एम्पायर पूरा फैला दिया मगध उड़ीसा सारस्वत गौड़ मिथिला हर एक एरिया में और उन्होंने मैत्रक राजा ध्रुव सेन जो सन इन लॉ थे और पुलकेशी सेकेंड जो मोस्ट पावरफुल रहे थे उनकी लड़ाई हुई और उसमें हर्षवर्धन हार गए हर्षवर्धन और पुल के सेकंड के बीच में लड़ाई हुई और हर्षवर्धन हार गए और उनको एक पावरफुल किंग माना जाता है नाउ यू कैन सी कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्पर हर्षवर्धन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट चाइनीज ट्रेवलर ह्यू सांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग इस टाइम ही स्टेड इन इज पैलेस हर्ष डिवोटी ऑफ शिव एंड लेटर बिकेम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ़ बुद्धिज्म ऑर्गेनाइज ए रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ ह्यून सैन एंड ही प्लेस आइडल ऑफ बुद्धा ऑन मेंलिफेंट एंड वर्शिप अ सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज ऑन महायान एंड यूनियन यानी जो कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन था हर्षवर्धन का वो इम्पोर्टेंट था और ह्यूएन सैन जो चाइना से यहाँ आए थे और उन्होंने ये सारी बातें अपने बात उसमें बताई है और वो उन्हीं के पैलेस में रुके थे और हर्ष शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और बाद में बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे और उन्होंने एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया यूनसेंग जिसके प्रेसिडेंट थे और उन्होंने बुद्धा के आइडल एक आ, की पूजा की और एक सेमिनार भी रखा गया महायान और हिन्यान पर Emperor Harsh had a passion for literature, art and education. Great poet Banbhat was associated with his court. He had written great volumes like Harsh Charitam and Kadambari in Sanskrit. Mayurbhat and Jai Surya were also great poets of the time of Harsha. And Emperor Harsh himself was so high ranking literary figure. He composed two plays called Priyadarshika and Ratnavali along with... Uh, इट ही ऑल्सो रोट अ स्पेशल प्ले बेस्ड ऑन जातक स्टोरीज ऑफ बुद्धा नेम नागानंद यानी हर्ष खुद एक उनको लिटरेचर के लिए आर्ट एजुकेशन के लिए बहुत पैशन था और उनके टाइम पे जो महान कवि भानपट थे वो भी उनके कोर्ट में थे उन्होंने बहुत सारी वॉल्यूम्स लिखे हर्ष चरितम कादम्बरी संस्कृत में लिखे फिर मयूर भट्ट और जय सूर्या भी महान कवि थे उस टाइम पे और एम्पर हर्ष खुद भी एक हाई रैंकिंग लिटरेरी फिगर यानी उनको भी लिटरेचर में बहुत नॉलेज था उन्होंने खुद ने दो प्ले लिखे प्रियदर्शिका और रत्नावली और इसके अलावा उन्होंने एक स्पेशल प्ले लिखा जो जातक स्टोरीज बुद्धा के ऊपर आधारित है जिसका नाम है नागानंद हर्ष ऑल्सो फॉर्म फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज ही सेंट अ डेलीगेशन टू चाइना सिमिलरली अ चाइनीज डेलीगेशन ऑल्सो विजिटेड इंडिया इन धिस वे हर्ष वॉज ए हाई रैंकिंग रूलर एम्पर एडमिनिस्ट्रेशन इन लिटरेटरियर ही डोनेटेड हंड्रेड विलेज टू सस्टेन नालंदा विद्यापीठ यानी हर्ष जो थे उन्होंने रिलेशन फ्रेंड रिलेशन्स अलग अलग लोगों कंट्रीज़ के साथ डेवलप की उन्होंने एक डेलीगेशन यानि कुछ ग्रुप लोगों का डेलीगेशन भेजा चाइना और चाइना से एक डेलीगेशन इंडिया आया था और इस तरह से हर्ष एक हाई रैंकिंग रूलर थे कॉन्करर थे एडमिनिस्ट्रेशन थे और लिटरेचर के बारे में बहुत जानकारी थी उन्होंने सौ विलेजेस नालंदा विद्यापीठ के लिए डोनेट किए थे ताकि नालंदा विद्यापीठ और आगे आ सके नाउ पुलकेशी सेकंड अमॉन्ग द कंटेम्प्री किंग्स ऑफ एम्पायर एम्पायर हर्ष स्टाइन पुलकेशी सेकंड वॉज द मोस्ट पावरफुल चालुक्यन किंग ही टुक द पावर फ्रॉम राष्ट्रकुटास इन महाराष्ट्र एंड एस्टेब्लिश्ड स्टेट Pulkeshi's second rule for almost 40 years. He even defeated Emperor Harsh. He was a great winner after defeating Kadam, Ganga, and Maheshwar of Maheshwar, Mauryas of Konkan. He received the title of Lord of the South. He also defeated Lat, La Malav and Gurjars. He was a ruler of all religions of Karnataka, sorry, regions of Karnataka, Maharashtra, and Konkan. Yani Judusre Rajath. हर्ष के टाइम पे उन उनमें से पुलकेशी सेकंड एक बहुत पावरफुल किंग था जो चालुक्य डायनेस्टी का था और वो उन्होंने उन, उन्हें कोट महाराष्ट्र से एस्टा, रूल एस्टैब्लिश वहाँ से एस्टैब्लिश एस्टाब्लिश्व किया और पुलकेशी सेकंड चालीस सा, साल तक उन्होंने राज किया उन्होंने एम्पर हर्ष को हरा दिया और वो विनर बन गए और उनको आफ्टर डिफीटिंग कदम उसके बाद कदम गंगा सफ महेश्वर और सबको हराने के बाद उन्होंने टाइटल लिया लॉर्ड ऑफ द साउथ और उन्होंने इसके अलावा लाट मालव और गुर्जर लोगों को भी हरा दिया एंड सो ही बिकेम अ वेरी पावरफुल रूलर एंड ही वाज द रूलर ऑफ ऑल द रीजन्स कर्नाटका महाराष्ट्र एंड कोंकण एंड जस्ट लाइक हर्ष ही हैड डेवलप्ड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ही हैड सेंट वन हॉफ वन ऑफ हिज एम्बेसिडर टू ईरान सेम्पर खुशरो टू हु वॉज इज फ्रेंड यानी आश के जैसे उन्होंने भी रिलेशन्स बहुत डेवलप किए और अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह भेजा नाउ अदर स्टेट्स एट दिस टाइम अदर स्टेट्स इंक्लूडेड पल्लवाज ऑफ कांची गुर्जर्स प्रतिहास ऑफ राजस्थान मैत्रक्स ऑफ़ वल्लभी, गुर्जर्स इन साउथ गुजरात कार्को टाको ऑफ काश्मीर एक्सेट्रा एंड पल्लवाज ऑफ कांची एट बिकम फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड आर्ट दे बिल्ट मैन ये टेम्पल्स ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश बाई कटिंग रॉक्स एंड पल्लवाज हो बिल्ट चेरिएट टेम्पल्स ऑन सी शोर्स हैव इंक्रीज इंडिया कल्चरल प्रॉस्पेरिटी कैलाश नाथ टेम्पल बिल्ट इन कांचीपुरम कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट टेम्पल ऑफ दैट टाइम सो उस टाइम पे कांची के पल्लवाज गुर्जर प्रतिहार राजस्थान के मैत्रक वल्लबी के साउथ गुजरात के गुर्जर और कारकोटा को काश्मीर के ये सारे फेमस हो गए थे आर्किटेक्चर और आर्ट में और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर बनवाए गए ब्रह्मा विष्णु महेश के रॉक्स को कट करके इसके अलावा चैरियट टेम्पल भी बनाए गए सीशोर पे जिसने इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को और आगे बढ़ाया और उसमें सबसे कैलाशनाथ टेम्पल जो है कांचीपुरम में वो बेस्ट टेम्पल माना जाता है सो चिल्ड्रन विद हैव कम्प्लीटेड लेसन सेवन In our textbook. Bye bye. Take care.